हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बड़ा हादसा हुआ है। यहां भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन की चपेट में एक शिव मंदिर आ गया। इसमें कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। बता दें कि शिमला के समरहिल इलाके में ये हादसा हुआ है। इसमें अराउंड कम से कम 25 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका है। जैसे कि यह सुबह 7 बजे का टाइम था, तो इसमें कुछ लोग खीर का आयोजन भी हो रहा था यहाँ पे, तो खीर के बनाने में लगे हुए थे और कुछ लोग आरती अंदर जैसे हवन भी चल रहा था। तो ये जानकारी है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, क्योंकि मैं उस समय समरहिल में ही था, तो मुझे यह जो है 8:30 बजे तक पता चला है। कितने लोग अभी तक निकाले गए हैं? अभी तक कुछ बच्चे, तो एक बच्ची का जो है बिना सिर के जो है शरीर जो है यहाँ नीचे शमशान घाट के पास मिला हुआ है, और बाकी एक दो और लोग भी हैं जो यहाँ मिले हैं नीचे। बाकी अभी तक 4 एक डेड बॉडी यहाँ से निकल चुकी है, 3-4। स्थिति जो है अभी 5-6 डेड बॉडी रिकवर कर चुकी है, और पता चला है कि अभी कुछ लोग जो है दबे हैं मकान के नीचे, उसमें कम से कम 15-20 लोग हो सकते हैं। ITBP के अलावा और कौन कौन सी फोर्सेस हैं यहाँ? आर्मी है, SSB है, स्टेट की जो रेस्क्यू पार्टी है, स्टेट पुलिस है, बाकी सिविलियन लोग हेल्प कर रहे हैं सब। अभी इनिशियल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें क्या स्थिति है, क्या पता चलेगा? अभी तो रेस्क्यू जारी है, तो बाद में पता चलेगा। मौके पर ITBP, आर्मी, SSB, स्टेट पुलिस के जवान भी राहत व बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। सुबह 7 बजे के करीब ये घटना सामने आई है। मंदिर में लोग पूजा करने के लिए पहुंचे थे, इस दौरान लैंडस्लाइड हुआ और ये लोग मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।